सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जैसे लेकर के बैग पाड़े बाबू जा रहे थे तो पीछे से साइड से दो लोग आए, उनके दोनों लोगों के हाथ में एक एक पिस्टल था। पाड़े बाबू से छीना झपटी की तो पाड़े बाबू ने बैग नहीं छोड़ा तो उनके हाथ में सीधा गोली मार दी। पाड़े बाबू घायल हो गए, बैग हाथ से छूट गया। ये आरटीओ के कैशियर हैं अनुराग पांडे जी, तो आज अपने सरकारी गाड़ी से और उनके साथ ड्राइवर था और एक आदमी और था, ये लोग कैश जमा कराने के लिए स्टेट बैंक गए थे। तो जब वहाँ पर गाड़ी रोक करके जैसे ही अपना बैग लेकर के बैंक की ओर जाने लगे हैं तो तीन बदमाश हैं, एक बाइक पे था और दो वहाँ पर खड़े थे। उन लोगों ने इनको टारगेट करके बैग छीनने की कोशिश की, फायर भी किया है, तो इनके केहनी में चोट आई है, सेफ हैं। लेकिन बैग में 281,421 रुपया था, उसको लूट करके भागे हैं और पुलिस बदमाशों के पीछे लगी है। उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और ये आपराधिक घटना है, पहले तो विवेचना कर। ठीक, हम कतई नहीं बोलेंगे। बोली थी आवाज सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।